हेलो फ्रेंड्स, हम आज बनाने जा रहे हैं बॉटल गार्ड यानी लौकी के कोफ्ते। उसके लौकी धो के उसका छिलका उतार के उसे कद्दूकस कर लो जो हमने करके रखा हुआ है। थोड़ा सा नमक और एक कटोरी बेसन, छोटी कटोरी बेसन, ये है 300 ग्राम के करीब लौकी, तो उसमें एक कटोरी बेसन लग जाएगा। थोड़ा सा बचेगा, जो बचेगा तो, अदरवाइज नहीं। आप इसे अच्छे से गूंद लो, मिक्स कर करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटे की तरह उसको गूंद लो। थोड़ा नमक डालो और अच्छे से मैश कर लो बेसन और लौकी को। अब बहुत सख्त नहीं, बहुत नरम नहीं। अच्छे से गूंद कर इसे रख लो। अब ये हमारा तैयार है। अब हम एक इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, पकौड़ियां सी बना लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन जरूर दबाना, जिससे आपके पास मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अब कढ़ाई में तेल गरम कर लें। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो मर्जी ले सकते हैं। तो इसमें तेल गरम करें। तेल गरम होने के बाद पकौड़ियाँ तल लें, मीन्स कोफ्ते तल लें। कोफ्ते तलने के बाद ये बच्चों को भी अच्छी लगती है सब्जी, बड़े तो खाते ही हैं, बच्चों को भी अच्छी लगती है। जब पकौड़ियां तल जाएं सारी, पलट पलट करके इनको सेक लो। हल्की आंच पे, जिससे ये अंदर तक सिक जाए। मतलब बहुत ज्यादा हाई फ्लेम भी ना हो और बहुत हल्की भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे इनको तल लो। अभी हमारे तकरीबन तैयार हैं, ब्राउन हो गई हैं। बहुत ज़्यादा जलानी नहीं है, कच्ची भी ना हो, जले भी नहीं। हमारे तैयार है
बाद थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भुनने के लिए रख दें, जिससे मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए। गरम मसाला पहले डालती हूँ सब्जी में थोड़ा सा, फिर लास्ट में सब्जी बनने के बाद थोड़ा सा डालती हूँ। मान लो 1 चम्मच लिया है तो आधा मैं, छोटा चम्मच लिया है तो आधा मैं पहले और आधा लास्ट में सब्जी बन जाने के बाद डालती हूँ। मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें जो हमने घी की पकौड़ियाँ बनाई थी यानी कोफ्ते बनाए थे वो डाल के अच्छे से चला दें और थोड़ा पानी डाल दें। डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। तरी रसा आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, जितने आपने रखने हो तरी। अगर नहीं रखनी तरी तो पानी मत डालो, ऐसे सूखा बना लो। और अगर तरी रखनी है, रसा रखना है तो थोड़ा पानी डाल दो। उबाल आने दो, क्योंकि ज्यादा भी नहीं करना है। मैंने इसमें गरम मसाला डाला है लास्ट में और गैस बंद कर दी। उसके बाद अच्छे से चला के इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन से ढक देंगे, जिससे स्मेल रहे उसमें। और अब भी हमारा कोफ्ते बन के तैयार हैं। उसमें हरा धनिया मिला के छिड़क के खाने के लिए तैयार है पराठे। इसको आप चावल, रोटी, पराठे जिस मर्जी के साथ खा सकते हैं।